एसएचओ नवदीप सिंह ने की किया जिस कारण उन्होंने ये स्टैप जो चुकना पाया। कानून सर अगर कानून सिखाया जाए तो उन्होंने बहुत तकलीफ होंगी है भी असी कानून के राखे असी कानून असी खुद कानून में सर एक बच्चा आपके प्यो ने कोई गल समझाएगा वो कहेंगे चुप करके बैठ जाए। लीडर के चहेते ने इन्नी एक इंस्पैक्टर लैवल के बंदे इन्नी सपोर्ट कितों मिल सकती है। एड्डा वड्डा हादसा हो गया जिदे 17 का तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हाँ 14 का मैं चश्मदीद गवाह हाँ बहुत यंग एज के 3 स्टार लग जाने बड़ी वड्डी गल हो जाती है। अफसर के वो प्रिय ने यंग एज आ फिट ने एस एच का रवैया बहुत माड़ा से उसका सर तुम मेरे सामने 14 हो कैमरे कढ़वाए जान वो साड़ी भैन नालू कल्ली बहर बिठाया गया दूसरी पार्टी एसी च बिठाया गया पग बनना सर कोई गुनाह नहीं है। जे मानवजीत सिंह की कटिंग है उस दिन वो पग बन के आ गया कोई गुनाह नहीं किया। खेज बच्च आके पग लाई जाती है चपेड़ मार के पग लाई जाती है। इन्हों का प्रोटोकॉल है सर भी कोई बंदा फाह ना ले ले सर हर बंदे बुजदल नहीं आ दोवें शेर बंदे से उन्होंने तो ये चीज़ जलाला तो सहारी नहीं गई और मानवजीत सिंह बहुत एक मर्द बंदा सी इन्नी दूर गया मैंने पिछले मानव की आवाज़ आँगी है भी जशन बहुत उच्ची सारी बोलता वो जो मैं टर्न करता हाँ जशन जंप कर चुकया जो उन्होंने जो मैं टर्न किया तो मेरे सामने वेखदा मानवजीत ने भी तो मगर छाल मार दी। असी आपके भरा के इंसाफ लिए अखीरले साह तक लड़ने रहेंगे सानू मेन यही असी प्रशासन तो आस करते हैं। बयान तुम नवदीप सिंह इंस्पैक्टर साहब का सुन लिया भी साढ़े 15 नूं सीसीटीवी खराब सी बड़ा वड्डा फेलीयर है ये एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट नूं। पिछले दिन 2 नौजवानों वालों ब्रियास दरिया के चढ़ी आ छलांग मार दी गई है तो हले भी उन्हों का कोई पता नहीं कि कितने ने ते किस किनारे लगे ने। अज प्रैस वार्ता हुई है उन्हों का पूरा परिवार इतने प्रैस क्लब पहुंचा सी उन्होंने कजन भी साढ़े मौजूद ने उपर साहब गलबात करते हैं। भाई जी पहलों ये दसो पूरा मामला की है एस एच ओ नवदीप सिंह ने की किया जिस कारण उन्होंने ये स्टैप जो चुकना पाया। सर जिहड़ा हादसा होया जो इंसीडेंट स्टार्टिंग हुई है 14 तरीक हुई है 14 अगस्त 2023 असी शाम नू पुलिस स्टेशन 5:30 बजे तो बाद दा टाइम सीगा जदों असीं उत्थे पहुंचे हैं। मेरे फ्रेंड दी सिस्टर है लुधियाणा तो उन्हां दा मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट सीगा उहदे बाबत असीं उत्थे गए सीगे। सब तो पहले तो जिदा हुण मैं तुहाडे सामने बैठा हुआ चेयर ते एक 6 फुट 2 इंच का बंदा अगर चेयर ते बैठेगा तो और नॉर्मली इदां ही बैठेगा जिन्ना टाइम मैं आ प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है बंदा रिलैक्स होकर बैठता। उस दिन जिते गए जी उधर लेडी कॉन्स्टेबल मैडम सी उन्होंने आदि पहले सवाल से भी तुम बहना नहीं आता वो ड्यूरिंग थ्रू आउट द डे मतलब वो जो भी होया वो सारा सीसीटीवी विच रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डेड है सारा असीं तां खुद कहा भी प्रिजर्व करीआं जां जो वीडियोज़ पेंडिंग पईआं ने 14 तरीक दीआं। बाकी तो उन्हां दा बयान तुसीं नवदीप सिंह इंस्पैक्टर साहब का सुन लिया भी साढ़े 15 नूं सीसीटीवी खराब सी बड़ा वड्डा फेलीयर है ये एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट नूं। साढ़े कोल सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइनस कंडीशनस ने भी साढ़े कोल ऑलरेडी असीं कढ़वा रख्या सारा इन्ना वड्डा दिन हो गया और एड्डा वड्डा हादसा हो जाए असी किवें प्रूव करांगे भी थाने दे विच साडे नाल तशद्दुद होया उसी प्रूव किवें करिए ओरली वो बोल रहे हैं ओरली असी बोल रहे हैं सच्चाई कित्थे गई। सच्चाई तो जो गवर्नमेंट की कंडीशन है तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए अभी इसी वक्त और उन्होंने साडा प्रशासन कोई साडी सुनवाई नहीं हो रही। असी सीपी साहब के DCP विरक साहब नूं भी असी अपना मंग पत्र दिता ठीक है जी असी ह्यूमन राइट्स के भी उत्थे जाके आए हैं जिथे भी साड़ी संबंधित थाने जो भी एरियाज लगते हैं असी उत्थे अपना फरियाद लेके गए हैं। अजे हुण तक सानू अजे तक उन्हां वल्लों कोई आस उम्मीद नहीं हैगी साड़ी थोड़े माध्यम राही यही बेनती है भी इत्थे एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए अभी इमीडिएट एक्शन होवे फिर जिहड़ा मेन अगला इंसीडेंस है 14 नूं तां चलो साड़ी उत्थे जो गलबात हुई दो पार्टियां थोड़ी तलखी भी हुई मैडम ने फोन पास किया इंस्पैक्टर साहब नूं उन्होंने कॉल की इंस्पैक्टर साहब ने उन्होंने फोन पास करता मानवजीत सिंह ढिल्लों उन्होंने फोन पर गलबात हुई जिन्नी को मेरे थोड़ा पिछे खड़े थे वॉक करके गल कर रहे थे भी यही कह रहे थे भी सर मैं तो कानून की गल कर रहा वो ऑलरेडी 16 वो प्री प्लैन हो चुका है लड़के वाले के उन्होंने फादर साहब कह के हटने भी अप्रोच है या पैसा कह लो जो भी XYZ कुछ रीजन हो सकता एस एच का रवैया बहुत माड़ा से उस दिन सर तुम यंग इंस्पैक्टर ने तुम ऑलरेडी तुम खुद सोच सकते हो भी एक छोटे बच्चे कोई कीमती चीज़ फड़ा दी जाए तो उन्होंने तोड़ेगा ही बहुत यंग एज के 3 स्टार लग जाने बड़ी वड्डी गल हो जाती है। अफसर के वो प्रिय ने यंग एज आ फिट ने एक फिट बंदे अट्रैक्शन का कारण होंगे भी अट्रैक्ट करता फिट बंदा वो अफसर के पसंदीदा ने लीडर के चहेते ने इन्नी एक इंस्पैक्टर लैवल के बंदे इन्नी
सपोर्ट कितों मिल सकती है, एड्डा वड्डा हादसा हो गया जिदे 17 का तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हाँ, 14 का मैं चश्मदीद गवाह हाँ, मेरे सामने 14 हो कैमरे कढ़वाए जान, वो साड़ी भैन नाल उन्हूं कल्ली नूं बाहर बिठाया, अगर दूसरी पार्टी नूं एसी च बिठाया गया वो तुसीं सीसीटीवी चैक कर सकते हो, 15 का एक्सक्यूज़ तो उन्होंने देता, 14 तरीक का एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते हूँ, कह दें भी 14 नूं भी खराब है, फिर तो थोड़े सामने कानून समझदार है, उन्हें सब पता, अजे जुडिशली कोले मैटर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, केस अगर सानूं नहीं थल्लों न्याय मिलता उपर तक जाएगा तो सारा ये तो इनकुआरी का मसला है, इनकुआरी होएगी सारी, चलो 14 तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, 15 तो एक्सक्यूज़ देता, 14 दे विच लड़की दे पर्स दे विचों फोन कढ़े जाते हैं पुलिस वालों वालों और वो हसबेंड फड़ाए जाते हैं, जिदे विच उन्हें संबंधित जिन्हें भी उन्होंने प्रूफ से उन्होंने को उन्होंने बारखिलाफ़ सारे डिलीट किए जाते हैं, सीसीटीवी दे विच आ जाएगा और वो फरियाद कर रहे हाथ जोड़ के भी ये चीज़ा ना करो, ये मैं कोर्ट च देनियां आ इन्हां दे बारखिलाफ़ और अगर एक संबंधित अफसर अपनी उन्होंने एक्सक्यूज़ भी साड़ी वीडियो नहीं बना सकते पुलिस स्टेशन दे विच, सर मैनू जिस मेरा मैनू याद है भी साढ़े माणिक सीएम साहब सरदार भगत सिंह जी मान जी उन्होंने कहा कि अगर कोई थाने दे विच कोई ज़ाती करता तो उसी उत्थे वीडियो बना के सानू भेजो, पर साढ़े नाल दो वारी ये सीन हो चुकिया भी वो कह रहे भी थोड़े कोई राइट नहीं, तुसी प्रेस वाले तुसी वीडियो बना रहे हो, सर एक पासे सरकार उपरों हायर अथॉरिटीज़ कह रही भी तुसी ये चीज़ करो, पर एक इंस्पैक्टर साहब कह रहे या मुलाजम नीचे कह रहे हैं भी थोड़े को अथॉरिटी है नहीं, थोड़े को कार्ड है नहीं प्रेस का, सो जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी चाहिए वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई, वो तुहानू सीसीटीवी दे विच आ जाएगा। रही 17 तरीक की गल, ये जो मसला वार वार बहुत उन्होंने न्यूज़ के सामने बड़े बयान दिते ने, पग से भी क्वेश्चन मार्क किया, सीसीटीवी का भी उन्होंने एक हवाला दिता भी साढ़े खराब से, पग बनना सर कोई गुनाह नहीं है, जे मानवजीत सिंह की कटिंग है उस दिन वो पग बन के आ गया, कोई गुनाह नहीं किया, फिर परपसली एक खेज बच आ के पग लाई जाती है, चपेड़ मार के पग लाई जाती है, इन्हों का प्रोटोकॉल है सर भी कोई बंदा फाह ना ले, साढ़े पिंड बंदे धोतियाँ बनते हैं, हूँ धोती लवा के उन्होंने अंदर करे, धोती भी लंबाई भी सेम उन्नी 2.5-3 मीटर बन जाती है, ये हूँ कहे भी धोतियाँ लाओ, जे धोतीधारी ने जोड़े धोतियाँ बनते हैं कोई पंडित बंदे उन्होंने तो अगर कोई गुनाह हो जाता तो वो कहे भी धोती बन के तुम अंदर हवा ला चाओ, ठीक है दस्तार दे कहिंदे भी फाह ना लै ले, चलो श्री साहब होर जिहड़े अपने जरूरी जिहड़े कार हैगे ने उन्हूं सत्कार नाल उतार के रखिया जांदा, ना कि तुसीं धक्केशाही ना थप्पड़ मार के उतारो, वो कोई एडा बच्चा नहीं हैगा सी जिन्हें इन उहदे नाल तशद्दद होया, उहदे ब्रदर तो नहीं बर्दाश्त होया, उहदे भरा नाल भी ज़ाती होई है, वह भी अंदर गया सी, उन्होंने भी बदतमीजी ने बोलिया गया, सर हर बंदे बुजदल नहीं है, दोवें शेर बंदे से उन्होंने तो ये चीज़ जलाला तो सहारी नहीं गई, और मानवजीत सिंह बहुत एक मर्द बंदा सी, वो बुराई के खिलाफ खड़न वाला बंदा सी, मेरा वो बड़ा प्यार सी, असी बहुत साडा तुसी पुराना मेरा रिकॉर्ड कढ़वाओ तो मैं थानू तकरीबन ही मेरी जो सीसीटीवी तो नहीं कह सकते जो मेरिया लोकेशनस ने तकरीबन मोगा के संबंधित पुलिस स्टेशन से मिलनगियाँ, क्योंकि असी जरूरी नहीं भी साड़ी उम्र छोटी है, असी भी इन्नी समझ रखते हैं, मेरी 36 साल उम्र हो गई है, असी भी दुनियादारी विचरते हैं, साडा भी असी भी सोशल एक्टिव हैं, सोशल वर्क करते हैं, जिहड़ी चीज़ उन्होंने की जशन तो बर्दाश्त नहीं हुई ता ही वो अपनी पग की बेदबी ना हो, पग उतार के उत्थे रख के गया, फिर उन्हें जंप किया, थोड़ा रुकना चाहवागा जिस दिन उन्होंने छाल मारी है, तुम मौके पर पहुँच गए उस तो पहलों पहुंचे थे बाद विच? नहीं जी, वो सीसीटीवी विचों दी असी रिकॉर्डिंग भी कढ़वा ली है, जशन बीर सिंह वॉक करके दरिया वाल नूं गए ने, मैं और मानवजीत सिंह ढिल्लो असी दोनों जलंधर तो उस जगह पर पहुँचे हैं मेरी गड्डी ते, रस्ते स्पीकर दे विच फोन सीगा, मैं वकील साहब नाल भी गल हुई, मैं जशन नूं समझा रहा सी वार वार, मानवजीत सिंह ढिल्लों समझा रहे सी भी कोई गल नहीं, अपने कोल उपर इन्नियां हायर अथॉरिटीज़ बैठिया ने, आप उत्थे जावांगे, जे उन्होंने अपनी जिद पगा ली है तो उन्हें सिर्फ अपनी साहब ने ईगो सैटिस्फाई करन लई अपना ये स्टैप चुकिया, हालांकि एक परिवारिक मसले दे विच इन्ना तशद्दद करना कितों की वाजिब गल आ, चलो जिहड़ा बंदा कानून नूं सर अगर कानून सिखाया जाए तो उन्होंने बहुत तकलीफ होंदी है, भी असी कानून दे राखे आ, असी कानून आ, असी खुद कानून नूं सर एक बच्चा आपके प्यो नूं कोई गल समझाएगा वह कहणगे चुप करके बैठ जा, आपके प्यो नूं समझाउणा वो सेम पार्ट यही है जी, भी उन्हें उहदे दोस्त ने वकील साहब एडवोकेट चाइल्डहुड फ्रेंड ने, ठीक है जी, सारी वकालत तो जानते हैं क्योंकि वह बहुत इंटैलीजेंट पढ़िया लिखिया लड़का सी भरा साडा, ठीक है जी, उन्होंने कानून की गल की और उन्होंने अंदर बुलाया जिस दिन 16 का वाकया सारा मैंने फोन पर भगवंत सिंह पंता कोटी सिखा तो मेरा दोस्त ने उन्होंने मैंने कली कली गल एक्सप्लेन की भी मानव आह हो रहा आह हो रहा, ठीक है जी, बाकी खुद उत्थे चश्मदीद भी ने लड़की वाली पार्टी भी उत्थे सी सारी, 17 तरीक नूं जदों असीं उत्थे गए उत्थे पहुँच गए असी और उन्होंने को कंडीशन है भी तुसीं पुल ते गड्डी नहीं लगा सकते, असीं पुल ते गड्डी उपर लगाती, मैं गड्डी जो उत्तर ये अगे चले गए मैंने कहते मानव तू गड्डी बैठ माने मैनू लेके आया, मैं सामने देख लिया दस्तार उन्हें सजाई हुई सी प्रॉपर उत्थे फोन पर लगा हुआ उत्थे चले गए इन्हें जाके मिले जफ्फी पाई है, थोड़ी देर पिछों एक मुलाजम आते हैं कहें भी गड्डी साइड दे करो, चलो मैं उस टाइम बाहर से मैं आगे गड्डी बैठ के
ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਰੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸ਼ਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 35-40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਪਰੋਕਸ ਲਗਾ ਲਓ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਜੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ SI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ SI ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ CCTV ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਅ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣ ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਲਾਈਵ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਮਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਾ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ CCTV ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ CCTV ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ CCTV ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਫਿਊਚਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਔਰ ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਰ ਇੱਕ CCTV ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਸਟ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਨਵਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਓਬਵੀਅਸ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਰ ਸਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ 70% ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
30% कुछ जिगरे वाले है जिन्ह की जमीर जागती है, जोड़े अणखी बंदे ने वो नहीं डरते, थोड़ा चुनिंदा लोग मिलने, बाकी बुजदल अपने घर अपने कामों कार व्यस्त ने, उन्होंने मतलब ही नहीं। जिदन उन्होंने घर अग लगेगी पिटनगे, फिर वो साढ़े को फरियाद करेंगे साढ़े नाल जुड़ो, किसी ने नहीं जुड़ना। असी अपने बलबूते खड़े हैं, असं अपने बलबूते जिन्ना टाइम एक आपके साह तक लड़ाई लड़ांगे। साढ़े को मैं कोई सर दुकानदार नहीं, मैं जाके जो दुकान का शटर खोलना, मैं कोई जॉब वाला बंदा नहीं, मैं नौ तो लैके पांच बजे ड्यूटी करनी। असं जिमीदार बंदे हैं, वाहिगुरू का बहुत कुछ दिता, खुली जमीन ज्यादा, तो सानू किसी चीज़ की टेंशन नहीं। असं आपके भरा के इंसाफ लिए अखीरले साह तक लड़ते रहेंगे। सानू मेन यही असी प्रशासन तो आस करते हैं, असी किसी प्रशासन को ब्लेम नहीं करते भी सारे ही करप्टड ने, ज़्यादा लॉबी इन्हें करप्टड है, मोस्टली करप्टड ने, पैसे चढ़ते ने, सिफारशा ने। बाकी जिहड़ा पुलिस प्रशासन है वो साड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर है, मिनिस्टरां दे अंडर है, साड़े लीडर दे अंडर ने। अगर कोई एक SSP साहब इन्हां दा कहना नहीं मानते, वो उपर हायर अथॉरिटीज़ नूं मंत्री साहब नूं कहिंदे ने, CM साहब नूं कहिंदे ने, साडा जी इत्थों SSP बदलिया जाए। इन्हां कोले सिर्फ लोगों को परेशान करन दी पावर है। जो रूलिंग पार्टी है कोई भी वड्डे अफसर दा लैवल उन्हां ते एक्शन नहीं लै सकता, क्योंकि वो पार्टी रन कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के वो मतलब अहदेदार ने, वो ऑर्डर करते भी सानू SSP चाहिए, सानू SP चाहिए। मैं थोड़े एक होर मिसाल देनी चाहना, मैं चलो इस चीज़ में मैं आपका लक्की समझदा भी मैं एक मोगे डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करदा, मेरा मोगा जिला साडा बेसिकली वी आर फ्रॉम मोगा, ठीक है। हुण मेरी फैमिली नाल असीं जलंधर रह रहे हैं, मेरा एरिया धर्मकोट आ, उत्थे इंस्पैक्टर जसविंदर सिंह सिद्धू जो मौजूदा हुण साडे इंस्पैक्टर भुल्लर साहब ने, जिहड़े DSP रविंदर सिंह काका जी ने, साढ़े सामने असी इंसाफ हुंदा आपदे अखी देखिया, सियाने सूझवान अफसर ने, मोगे साढ़े दोस्त ने अमनदीप कंबोज जी, इंसाफ प्रस्त ईमानदार अफसर ने, उस तो बाद SP अजय राज लगे ने, साढ़े धर्मकोट DSP रह गए हैं, ईमानदार बंदे ने, और उन्होंने असी फैसले होंदे वेखे ने। रीसेंट सर पंचायत की गल आ रविंदर काका जी कोल, असी भी असीम ए मैट्रीमोलियन डिस्प्यूट उन्होंने, मेरे दोस्त मेरे नाल इत्थे बैठे ने, इन्हों ने साढ़े सामने एक दिन के फैमलियां मना के मिला के घर बिठाता। उस दिन एक दिन उन्होंने कोले केस गया, मैं उत्थे मौजूदा सी, बड़े अहदेदार सुलझे 15-20 सियाने बंदे सी, उन्होंने कोई लड़का नहीं सी हैगा, सारे बजुर्ग बंदे सी। दूसरी पार्टी वालों भी मैं गया सीगा, तुसीं जाके हुण तो एक महीना पुरानी डिटेल कढ़वा के भी देख सकते हो भी ये केस साडे कोले आया सी, असीं ओरली गल्लां करदे पए आ। अगली चीज़ उस तो बाद तुसीं मोगे दे होर बड़े संबंधित ने, एक साडे दोस्त ने DSP बागा पुराणा, ठीक है जी, निहायत ही ईमानदार अफसर ने। मेरे कोले बहुत लंबी लिस्ट है अफसरां दी, ठीक है जी, जिहड़े ईमानदार ने, जिहड़े इंसाफ प्रस्त ने। साडी लड़ाई कुल प्रशासन दे नाल नहीं है, साडी लड़ाई प्रशासन दे ओ एक कुछ कु जिहड़े करप्टड अफसर ने, जिहड़े सिस्टम नूं गंदला करदे पए ने, साडी लड़ाई उन्हां दे बरखिलाफ आ। और अज सानूं साडे अज साडा एडा घाटा होया, तुहानूं की लगता भी असी इह चीज़ असी एडा स्टैप चक्किया, असी कोई पागल नहीं हैगे। मैं पुलिस दा असी सेवक ही हाँ, पुलिस दे असी पुलिस तो इंसाफ लैन जाने हैं, मैं कोई एडा बच्चा नहीं, ना मैं एडा पागल हाँ भी मैं एडा वड्डा स्टैप चक्का। पुलिस ना दुश्मनी, ये साड़ी पुलिस ना दुश्मनी है, अज जो असी कर रहे हैं, पुलिस की तो फैमिली है, लॉबी इन्हां दी, साडा जो मर्जी करा सकते, असी की कर लेना, साडे कोल तो कोई राइट ही है नहीं, इस तक आम एक सिंपल सिटीजन नागरिक है, पुलिस तो जो मर्जी कर सकते हैं, पुलिस को सारे राइट्स ने, साडे कोल तो कोई राइट ही है नहीं, और जितों मर्जी चक के जिते मर्जी किसी परचे च फसा देना, असी की कर लेना। असी तो कानून नूं दसदे मर जाएंगे भी सर असी बेकसूर हाँ, सर असी बेकसूर हाँ, वो बेकसूर सानू प्रूव करते करते 5 to 7 साल साडे जिंदगी दे खराब हो जाने हैं, और इन्होंने तो अगर हायर पोस्टा आपदे जाई जाना, इन्हों की फर्क पैंदा। बहुत बहुत शुक्रिया जी गलबात करने लिए। सो ये सन मान बुप्पल जी जिहड़े दो नौजवान जिहड़े हादसे जिहड़ा उन्होंने नाल जिहड़ा हादसा वापरिया वो चश्मदीद गवाह ने सारी गलबात इन्होंने की है। सो देखना यह होगा कि इन्होंने इंसाफ मिलता या नहीं मिलता। कैमरामैन विजय दे नाल दविंदर मंड जलंधर।